29 एपिसोड नंबर 232 पार्ट 2 हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी फैमिली दो बैग पैसा लेके भाग रहे होते हैं। उसे बोलता है हमारा पैसा चोरी हो गया है। लूफी जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन हमें सीन दिखाया जाता है कि कुछ एक आदमी है उसका पीछे कुछ और आदमी दौड़ रहा होता है और फिर वो भाग रहा होता है कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुकाऊंगा। वो होता है तुम मेरा पैसा दो। फिर वो भागते भागते एक ब्रिज से अपना रोप एक्शन करता है और फिर जो यागोड़ा में वो चोर पैसा लेके जा रहा था उसके ऊपर कूदता है। फिर वो अपना स्पेशल मूव रोप एक्शन यूज़ करता है, दोनों चोर को पकड़ता है, बांधता है, टकराता है और उसका यागोड़ा लेके वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उसॉफ सा बोलता है अच्छा मेरा पैसा बच गया। वो आदमी सोचता है इसमें पैसा था। वो पैसा सुन के और तेज़ी से लेके भागने लगता है। उसके बाद लूफी उस पर अटैक करने के लिए जाता ही है कि पीछे से एक मेंबर आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर एक पीजन जो है वो लूची नाम है उसका, वो बोलता है कि मैं उसे बचाता हूँ। तो जाता है उसको वहाँ पे, उसको मारता है और उसके साथ पैसा लेके वापस आता है और लूफी को पैसा दे देता है। फिर वो मेंबर पॉली जो है जो पैसा लेके भागने वाला था वो कहता है कम से कम 10% तो दे दो हमको। उसके बाद लूची पीजन उसे कहता है ना कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो गुस्सा आके उसको मारने के लिए जाता है लेकिन पीजन उड़ के चले जाता है। फिर उसका हाथ में वो रोप एक्शन से बांध देता है। फिर वो एक तो और स्पेशल मूव से उसे मारता है पर वो मरता नहीं है। ये एक लाइट हार्टेड फाइट है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि काकू अच्छे तरह से घुइंग मेडी का इंस्पेक्शन कर रहा होता है। वो नीचे जाके कुछ लकड़ी उठाता है, देखता है अच्छे से। जोड़ो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। बोलता है मैं सही से इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, मुझे करने दो, सॉरी तुम्हें उठा देने के लिए। लूफी कहता है वो जो चोर हमारा पैसा चुराया उतना पावरफुल नहीं दिखता है, लेकिन आइसबर्ग उसे कहता है कि ये भले पावरफुल ना दिखता हो क्योंकि ये अंडरलिंग से इसका जो बॉस है फ्रैंकी वो बहुत पावरफुल है। तुम इससे ट्रबल ना काउस करो, ऐसा ही रहो। बताता है कि वो जो है एक तरह का बाउंटी हंटर है, वो यहाँ बाउंटी हंट करते हैं और जो सीप है उसको डेमोलिश करते हैं, उसका पार्ट को अलग अलग जगह बेच देते हैं। फनी नोट के साथ ये पार्ट खत्म होता है, अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 232 पार्ट 2 हमें दिखाया जाता है कि पॉली का अटैक जो है वो लूकी अच्छे तरह से सह लेता है। वो पलट के अपना हाथ पे खड़ा हो जाता है। लूफी उसका तारीफ करता है, वाह तुम कितने पावरफुल हो। उसके बाद वो बताता है, वो पीजन अपना नाम बताता है हथौड़ी और फिर वो जो आदमी है उसका नाम था लूची। फिर पॉली कहता है कि इसे बोलना नहीं आता इसलिए वो अपना कंधा में पीजन रखता है और सबसे बात करता है। उसके बाद आइसबर्ग और काफिला जो है उन्हें कहते हैं कि इस जगह हर कोई एकदम अजीब है लेकिन ये लोग बहुत स्किलफुल आदमी है, यहाँ पे हर कोई स्किल ही चाहिए, बिना स्किल का कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो बड़ा सा डॉक नंबर 1 में जो गेट रहता है उसे ओपन करते हैं। दोनों अपना हाथ को एकदम प्लेस करते हैं और फोर्स लगाते हैं, दोनों एकदम मैनुअली उतना बड़ा गेट को खोल देते हैं। उसके बाद सब कोई डॉक नंबर 1 में एंट्री करते हैं। वो नज़ारा देख के हर कोई चकाचौंध हो जाता है, एकदम बड़ा बड़ा सीप बन रहा होता है, किसी में कैनन लोड हो रहा होता है, बहुत अजब सीन होता है। उसके बाद काफिला जो है आइसबर्ग का थोड़ा हिस्ट्री बताती है कि यहाँ पे पहले अलग अलग कंपनी सब एकदम कंपटीशन कर रहा होता है, फिर आइसबर्ग जो है वो बहुत ही स्किलफुल लेबर रहता है, वो काम करता है, सबको यूनाइट करता है। फिर गैनीला जो है उस कंपनी को फॉर्म करता है और अभी प्रेसिडेंट है उसका। उसके बाद लूफी उससे डायरेक्ट जाके पूछता है क्या तुम हमारे शिपराइट बनोगे, तो सब कुछ शौक हो जाता है, इतना रिस्पेक्टेड इंसान को वो कैसे बोल सकता है। फिर लूफी उससे परमिशन लेके बड़े से शिप के ऊपर जाके अच्छे से वो मजे से देखता है। पीछे से वो फ्रैंकी फैमिली का गुंडा लोग आता है और वो सबको दबोच लेता है और उसे कहीं गायब कर देता है। काकू में सीन शिफ्ट होता है, वो गोइंग मेडी का अच्छे से मुआयना कर रहा होता है। वो शिप के अंदर जाके देखता है, जोड़ो को कुछ कहता है जो सुन के जोड़ो थोड़ा सा चिंतित होता है। फिर काकू वहाँ से उड़ते उड़ते कूदते फांदते आता है और यहाँ के अपना रिपोर्ट देता है कि वो शिप अब रिपेयर नहीं हो सकता है, वो कभी भी सेट सेल नहीं कर पाएगा। जरूर ये शिप बहुत ही ट्रिमेंडस एकदम गजब लेवल का एडवेंचर में गया होगा, बहुत फाइट किया होगा। फिर लूफी कहता है बात तो सही है, हम सब स्काइप या गए, स्काइप या से नीचे आए। कहता है जितना पैसा लगेगा हम लगाने के लिए तैयार है लेकिन इस शिप को नया कर दो। काकू कहता है कि पैसे की बात नहीं है, कुछ भी कर लो लेकिन ये अब ये रिपेयर नहीं हो सकता है। हम इसे अगर पूरी तरह से रिपेयर कर भी देते हैं फिर भी ये पहना एक सेल भी अपना सेट नहीं कर पाएगा। सीन चौपर पे सेट होता है, वो अपना रोड में सूंघते सूंघते रोबिन को खोज रहा होता है। अचानक से उसे एक नाम वो दिखता है, सांजी। बोलता हमको लगा ही था तुम हो। फिर वो नाम ही पूछता है अरे तुम यहाँ कैसे हो। और फिर एक मजदूर जो है वो दो बैग को लेके आता है और लूफी को देता है, बोलता यही तुम्हारा बैग है क्या। सीन जोड़ो पे शिफ्ट होता है और वो कहता है क्या गोइंग मेड तुम अब कोई भी सेट सेल नहीं कर पाओगे। बड़ा इमोशनल सीन होता है और इसी इमोशनल बड़ा सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखते हैं कहानी किस तरह से प्रोसीड करता है। थैंक यू।